गन्ने का ऐसे रस निकलता हुआ तो आपने भी जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन गन्ने के रस से गुड़ कैसे बनता है वो आप आगे देखिए। दिल्ली से हरिद्वार जाते समय मैंने रास्ते में गन्ने से गुड़ बनता हुआ देख लिया। चली जाओ बिना वीडियो बनाए तो मेरे साथ खुद के साथ ही अन्याय होगा, इसलिए गुड़ बनता हुआ देख सकते हैं। खाना भी खा के आए, थैंक यू भैया। अभी यहाँ काम करने वाले भैया लोग खाना खा रहे हैं, खा लेने देते हैं, उसके बाद मैं उनसे पूछूंगी कैसे क्या करते हैं। खाना खाने के बाद बनाएंगे, देखते हैं थोड़ी देर अगर रुक पाएंगे तो रुक के देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। ये रखिए गन्ने, इसको डालेंगे उस मशीन में, और गन्ने के जो छिलके हैं उनसे ईंधन भी बनाया जाता है, कार्टन बॉक्स और कागज़ की बॉक्स वगैरह। वो जो गन्ने का रस वहाँ से निकाल रहे हैं ना, इस पाइप से आ रहा है इधर से, इस वाले पाइप से आ रहा है इधर। कुछ चीज़ें तो देख के समझ में आ गई थी, लेकिन कुछ पूछने के बाद पता चला कि रस को छानने के बाद गाढ़ा करते हैं। ये जो चार टब बना रखे बड़े बड़े, इनके नीचे हीट होती है, गर्म होता रहता है लगातार, और इस चीज़ में गुड़ बनने में, रस से गुड़ बनने में कम से कम 6-7 घंटे या इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। मतलब ये जो प्रोसेस है काफ़ी टाइम टेकिंग है, इतना आसान नहीं होता और इतना जल्दी भी नहीं बनता है। ये चीज़ मुझे मेरी एक फ्रेंड से पूछताछ में पता चला। अच्छा, यहाँ इन्होंने भट्टी बना रखी है, मोबाइल नंबर भी दे रखा है, नीचे गूगल लिख रखा है। ये जो भट्टी है इसी में आग रहती है, और जो चार टब है रस वाले उसके नीचे बराबर आग यहाँ से जाती रहती है, जिससे रस गाढ़ा होता है। गर्म गुड़ ठंडा होने तक, जमने तक लगातार चलाना पड़ता है। और जब मैंने इनका ये हथियार उठाया गुड़ बनाने वाला, तो मुझे पता चला कि कोई भी काम आसान नहीं होता, ये बहुत भारी सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। दूर बिल्कुल शहद के जैसा गुड़ लग रहा है। ये मैं लेके जा रही हूँ, बिल्कुल ताज़ा वाला लिया ही हूँ। बच्चे के जरूर दिल्ली से हरिद्वार जाते हुए गुड़ की कहानी थोड़ी इनकम्प्लीट रह गई। मैंने सोचा वापस आते समय पूरी कर देती हूँ, लेकिन कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाती है। यहाँ भी लंच टाइम चल रहा था और ये लोग अपना काम कर चुके थे। ये सब चीज़ें देखते हुए सीधी सी बात जो हमारी समझ में आई वो ये थी कि पहले रस निकालते हैं, फिर उसको छानते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं और गाढ़ा करते हैं। जब गाढ़ा हो जाता है तो उसको अलग अलग शेप में और फ्रेम में रख के सेट कर देते हैं, क्वांटिटी भी कम ज़्यादा के हिसाब से कर लेते हैं, और बस जैगरी तैयार हो गई। छोटे लेवल पर तो पुराने तरीके से इसी तरह से गुड़ तैयार किया जाता है, बाकी बड़ी फैक्ट्रियों में कुछ अलग प्रोसेस और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में होता होगा। दिल्ली से हरिद्वार तक के रास्ते में हमने गन्ने के खेत, गन्ने का रस और बनता हुआ गुड़ देखा। जगह जगह ऐसे सीन आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको भी कभी मौका मिले और इंटरेस्ट हो तो रुक के ऐसे सीन देख सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी आपका पैसा खर्च नहीं होगा, तो कर दीजिए शेयर अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स ग्रुप में, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक, जो भी आप यूज़ करते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।